टी क्रिकेट वर्ल्ड कप में शनिवार को भारत साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। मैच में जैसे ही भारत ने जीत हासिल की, आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। टीवी के सामने नजर जमाए बैठे शहरवासी घरों से बाहर निकल आए। चारों ओर से पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। युवा दोपहिया वाहनों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा थामे टावर चौक पहुंच गए और टीम इंडिया की जीत के बाद टावर चौक पर दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। देर रात तक लोग सड़कों पर जश्न मनाते रहे। कई फैंस तो अपने साथ ढोल और स्पीकर भी साथ लेकर आए और जमकर आतिशबाजी की, जिससे उज्जैन की सड़कों पर दीपावली जैसा माहौल नजर आया। सड़कों पर देर रात तक क्रिकेट प्रेमियों का जश्न चलता रहा। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया था। खास बात तो यह रही कि एसपी प्रदीप शर्मा भी इस जीत के जश्न में शामिल हुए और टावर चौक पर युवाजनों के साथ राष्ट्र ध्वज लहराया और भारत माता के जयकारे लगाए। साथ ही एसपी साहब सुरक्षा व्यवस्था बनाते रहे। भारतीय टीम द्वारा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है, यही भारतीय टीम ने किया है। बता दें कि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों भारतीयों का सपना साकार किया है। फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।
पुलिस ने माल से भरे ट्रक चुराने वाली गैंग का खुलासा करते हुए एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह का मुखिया फिलहाल फरार है। इनके पास से एक ट्रक और एक कार जब्त की गई है। पिछले दिनों उज्जैन जिले के बड़नगर से DOC से भरा ट्रक चोरी चला गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर बदमाशों का पता लगाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल SP नितेश भार्गव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खरगोन में रहने वाले बदमाश सद्दाम ने अपने दो साथियों मुनीर और गोलू के साथ मिलकर ट्रक चुराया था। इनमें से मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं सद्दाम और गोलू की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इनके पास से चोरी गया ट्रक और वारदात में उपयोग की गई SUV कार जब्त की है। एडिशनल ने बताया कि सद्दाम के पकड़े जाने पर ट्रक में भरे माल का पता चल पाएगा। ट्रक जो था जिसमें DOC भरा हुआ था, ट्रक की कीमत लगभग 35 लाख और DOC 15 लाख, कुल मिला के 50 लाख के अमाउंट की चोरी की घटना सूचना हमको फरियादी भगवान सिंह राठौर द्वारा दी गई थी। हम लोगों ने पूरी एक टीम का गठन किया जिसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों पर काम करते हुए एक सद्दाम नाम का व्यक्ति जो है खरगोन का रहने वाला है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है संज्ञान में आया, इसको जब हम लोगों ने फॉलो किया तो ट्रक जो है महाराष्ट्र से जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसने वाहन से पकड़ कर पीछा किया, मौका देखकर ये जो आरोपीगण थे ये ट्रक वहीं छोड़कर भाग गए। इसके पूर्व वो सामान निकाल चुके थे। इसमें फिलहाल 3 लोग इसमें पूरी घटना में लिख पाए गए, सद्दाम, मुनीर और गुरु शर्मा। सद्दाम खरगोन का रहने वाला है, मुनीर जो है देवास का है, गुरु शर्मा विदिशा का है। इन तीनों ने बाकायदा संगठित होकर रैकी करते बड़नगर से 14 की रात को एक DOC से भरा हुआ ट्रक उठाया, सामान कहीं डिस्पोज ऑफ किया और ट्रक को कटिंग कराने के महाराष्ट्र ले जाने थे। इस पूरी घटना में रैकी में एक XUV 300 भी प्रयुक्त की गई थी जिसकी कीमत 11 लाख सामने आई है। वो गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है, वो फिलहाल बड़वानी में थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में पड़ी है। शुजालपुर में रविवार दोपहर 2:30 बजे पचोर शुजालपुर रोड पर किशन दीप गार्डन के सामने ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। घटना स्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पवन नेमा ने बताया कि चितोड़ा से शुजालपुर की तरफ आ रही बाइक नेशनल हाईवे की सड़क की साइड से सीमेंट की सड़क पर चढ़ने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार से गुजर रहे ट्रक ने नीचे बाइक जा फंसी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक और क्लीनर दोनों हादसे के बाद भाग खड़े हुए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करने शुजालपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। लंबे समय से इस नेशनल हाईवे सड़क की साइड का भराव व अन्य मरम्मत कार्य नहीं होने से इस मार्ग पर पहले भी घटना हुई है। मृतक की बाइक MP 37 8355 के आधार पर उसके सीहोर जिले के निवासी होने की संभावना है। बाइक ट्रक के नीचे फंसी है और मोबाइल या अन्य कोई सामान मृतक के पास नहीं मिलने से पहचान नहीं हो पाई है। उज्जैन जिला प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत आज से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के पश्चात उन पर लाल और पीला रेडियम लगाना शुरू कर दिया है। लाल और पीली कलर की रेडियम पट्टी लगाने की शुरुआत विक्रम सिंह कानपुरिया, DSP यातायात दिलीप सिंह परिहार, DSP यातायात प्रधान आरक्षक अशोक गौड़, ई रिक्शा चालक परिचालक संघ बल्लू सिंह ठाकुर, भारतीय मजदूर संघ के संजय चौहान की मौजूदगी में शुरू किया गया, जिससे ई रिक्शा चालकों की पहचान आसानी से हो सकेगी और शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। इस व्यवस्था के तहत 3,000 की 2 शिफ्ट दिन व रात में ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। इस दौरान ई रिक्शा चालकों के लिए रूट की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। दिन और रात की शिफ्ट के आधार पर ई रिक्शा का कलर कोड भी तय किया गया है। यही नहीं कि इस कलर कोड के हिसाब से ही चालकों का ड्रेस कोड भी रहेगा। पीले कलर का ई रिक्शा चालक पीली टी शर्ट और काली पैंट पहनेगा, वहीं लाल कलर का चालक लाल टी शर्ट और काली पैंट पहनेगा। दिन की शिफ्ट जो रात्रि 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक में चलने वाले ई रिक्शा का कलर कोड लाल और रात की शिफ्ट जो दिन के 3 बजे से रात्रि 3 बजे तक में चलने वाले हैं, ई रिक्शा का कलर कोड पीला रहेगा। रिक्शा पे जो येलो वाला रेड पट्टा लगा है, जो येलो रिक्शा के ऊपर रहेगा, वो 3 बजे दोपहर से रात्रि के 3 बजे तक रहेगा।
रात्रि के 3 बजे से तो सुबह तक आपका रेड रहेगा, और जो ड्रेस कोड इसका है हमारा जो येलो का जो पट्टा लगेगा उस पर येलो कलर का टी शर्ट रहेगा तो ड्राइवर पहन के चलाएगा, और ब्लैक कलर का उसको पैंट रहेगा। सेम स्थिति ऐसे ही है कि जो रेड कलर का जो टी शर्ट पट्टा डला उस पर रेड कलर का टी शर्ट है और ब्लैक कलर का पैंट रहेगा उसमें। और यही जो सर ने बताया अभी कि ये 30 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी, जो नाइट में जो चल रहा था वो फिर अगले 30 दिन बाद वो दिन में आएगा और दिन वाला फिर नाइट में आएगा सर। ये कार्रवाई चल रही है, आज से हमने उद्घाटन करा है गाड़ियों पर रेड बेल्ट लगाने का और येलो बेल्ट लगाने का रेडियम का, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होगा, दो शिफ्टों में गाड़ी चलेगी। येलो बेल्ट वाली गाड़ी दोपहर 3 बजे से लेके तो रात की 3 बजे तक चलेगी, और रेड बेल्ट वाली रात की 3 बजे से दोपहर की 3 बजे तक चलेगी। इससे गाड़ी की संख्या शहर में कम हो जाएगी तो ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहेगी, और 1 महीने बाद में वापस शिफ्ट चेंज होगी तो रेड बेल्ट वाली गाड़ी दोपहर में चलेगी और दोपहर वाली गाड़ी येलो बेल्ट की नाइट में चलेगी। किसान और व्यापारी बता रहे हैं कि बारिश के कारण सब्जियों की आवक कम होने के कारण भाव में तेजी दिखाई दे रही है। उज्जैन में बीते 3-4 दिनों से सब्जियों के भाव में दोगुनी वृद्धि हो चुकी है। शहर की चिमनगंज मंडी एवं सब्जी मंडी में लोग सब्जियों के भाव सुनकर लिमिट में सब्जियां खरीद रहे हैं। व्यापारी हरीश नारायण ने बताया कि 2-3 दिनों से हो रही बारिश और किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल लगाने के कारण सब्जियां जरूरत के हिसाब से शहर में नहीं पहुंच पा रही है, इसके चलते ही सब्जियों के भाव बढ़े हैं। सब्जियों के और भाव बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है। मेथी 70 रुपए किलो थी तो वहीं आलू 20 रुपए और 30 रुपए मंडी में, बाजार में 35 से 50 रुपए तक बिक रहा है। धनिया 120 रुपए मंडी का रेट, जबकि खेरची में 140 रुपए किलो में बाजार में बिक रहा है। गिलखी मंडी में 60 रुपए तो बाजार में 80 रुपए किलो बिक रही है। भिंडी 60 रुपए किलो तो टमाटर 50 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। मिर्ची पहले 60 रुपए किलो बिक रही थी, जबकि अभी 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है। किसानों के अनुसार अभी कुछ दिन और सब्जियों के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। आज थोड़ा सा रेट सब्जियों में बढ़ा हुआ लग रहा है, ये पूरा बारिश के कारण ऐसा बताते हैं कि सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं, और इस प्रकार से आज बाजार में थोड़ा सा तेजी का माहौल है। अभी सब्जियों क्या है कि महंगी हो गई बारिश की वजह से, ये पानी गिरा तो उससे, ये तो पहले सबसे ज्यादा था लेबलों चल रहा था काम काज, ये अभी अच्छे तभी रेट तो सभी चीज़ के बढ़े हुए हैं। सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं, टमाटर है, अपने सुरजने की फली है, कद्दू है, भिंडी है, गिलकी है, तुरई वगैरह है, और पालक वगैरह है। ककड़ी थोड़ी नॉर्मल चल रही है 20-20-30-20-30, लौकी 40-35-40-35। ये बारिश की वजह से हुआ भैया, ये बारिश गिरी हल्की पतली, गिरने से बंद हो जाती, धूप निकलना तो सड़न पकड़ ली खेतों ने। उज्जैन के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में चोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई बार घटना सामने आने के बाद भी ना तो सीसीटीवी कैमरे में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, ना ही जवानों को तैनात किया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन मरीजों के वाहन और मोबाइल चोरी होने की घटनाएं अस्पताल से सामने आती है। आज भी इंदौर से एक युवक अपने परिजन को अस्पताल में हाल चाल पूछने के लिए पहुंचा तो कुछ ही देर में चोरों ने उसकी स्प्लेंडर वाहन पर हाथ साफ कर दिया। युवक ने जब अस्पताल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के लिए कहा तो किसी ने भी युवक की मदद करना उचित नहीं समझा, लेकिन जिले के सबसे बड़े अस्पताल में चोरी की आए दिन इस वारदात पर आखिर कब ब्रेक लगेगा ये तो जिम्मेदार ही जानते हैं। फरियादीन ने कोतवाली थाना में चोरी का आवेदन दिया है, पुलिस जाँच कर रही है। ग्राम बारोली से, और यहाँ पे अंकल का लड़का एडमिट था तो उसके समीचार लेने आए थे हम, तो जैसे हमने गाड़ी रखी 11 बजे वो 15 मिनट बाद हम नीचे आए तो यहाँ गाड़ी नहीं मिली, और जिसके बाद सब दूर ढूंढा ढांडी करी हमने, और यहाँ कोई कैमरे वैमरे की व्यवस्था भी नहीं है। दूर दूर से अपन ने देख लिया, बोले 3 ही कैमरे सामने की साइड, वहाँ अपन ने देख लिया है, पर कुछ भी वो मना कर रहे हॉस्पिटल वाले, बोले यहीं तक की आएगी, दूर तक की नहीं आएगी फुटेज, ऐसा बता रहे हैं। ये यहाँ पर गाड़ी करी किसी से? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, बटांकन, नामांतरण आदि का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव द्वारा जिले के ग्राम चंदेसरा का भ्रमण कर अपने समक्ष सीमांकन करवाया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीमांकन प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। फसल गिरदावरी, सीमांकन, बटाकन, नामांतरण में ड्रोन, रोवर, डिजिटल मैपिंग व पीएम किसान ऐप आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग राजस्व प्रकरणों में किया जाए। इसी के साथ उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डिजिटल मैप व फिजिकल मैप का मिलान किया जाए। पटवारियों को सीमांकन प्रकरणों में शीघ्रता लाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर रोवर उपलब्ध कराया जाएगा। भ्रमण के दौरान अपर सचिव राजस्व अनुभा श्रीवास्तव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, उपायुक्त रंजीत कुमार, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, अपर कलेक्टर एम एस कौचे, एस डी एम उज्जैन, ग्रामीण अर्थ जैन आदि मौजूद थे।